जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास अब प्रारंभ होगी और सभी लोग बिल्कुल समय से और वीडियो देखें, क्योंकि आप जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके प्रश्न आएंगे, तो वो सभी के सभी प्रश्न इन सारे वीडियो में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आदिकाल को कवर करता हूं और 20-20 प्रश्नों का हर वीडियो होगा। ज्यादा वीडियो नहीं, ज्यादा प्रश्न नहीं दिए जाएंगे आपको, ताकि आपको बोरिंग हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो, ठीक है। तो आदिकाल को कवर करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो सभी लोग जुड़ते जाएं, ठीक है। और बेल आइकन को आपको दबाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सूत्रपात जो माना जाता है वो किसके द्वारा माना जाता है आपको बताना है। ये चार विकल्प हैं, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा गारसा द तासी। गारसा द तासी आपको यहां पर नहीं लग रहा कि दा से दादी दादा, तो सूत्रपात जो होता है ना इतिहास का, वो दादा दादी से होता है, तो दा आ रहा है मतलब दादी, तो गारसा द तासी से ए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। ये चीज रखना है याद, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। यहां से जो नामकरण दिया गया है वो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो वीरगाथा काल नाम दिया है वो किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब एक चीज बताना दोस्तों कि हम वीर पुरुष की गाथा पढ़ते हैं, और ऐसे वीर पुरुष की गाथा पढ़ते हैं जिनका नाम रामचंद्र हो, राम हो, तो वीरगाथा काल जो नाम देंगे वो कौन देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देंगे, क्योंकि राम जो है वो वीर पुरुष है और इनकी गाथा हम पढ़ते हैं, ये चीज याद रखो, है ना। रासो शब्द का संबंध रासायन से किसने जोड़ा है, तो रासो संबंध का जो शब्द संबंध जोड़ा है वो जोड़ा है दोस्तों प्रश्न विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रासायन से जोड़ा है। और यहां पर देखो रा आ रहा है, यहां पर रा आ रहा है, और रामचंद्र में भी रा आ रहा है सबसे पहले, तो रासो शब्द का जो संबंध होगा वो रासायन से कौन जोड़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी जोड़ेंगे, याद रखो। इस प्रकार से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है दोस्तों वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा। इस सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में, याद रखो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों एक चीज बताना, जब हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी जा रही होगी तो कितनी बार लिखी गई होगी, हजारों बार ये भूमिका लिखी गई होगी, मतलब हिंदी साहित्य की जो भूमिका है ये किसकी पुस्तक होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इस प्रकार से याद भी करते जाना है। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को कहा है, तो क्या कहा है इन्होंने पूर्व मध्यकाल को, इन्होंने कहा है दोस्तों भक्ति काल। अब एक चीज बताना कि जब आप उठते हैं और सबसे पूर्व में या पूर्व दिशा में आप क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, सूर्य भगवान को नमन करते हैं, तो ये पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाएगा, ये भक्ति काल कहा जाएगा, और वो किसने कहा है, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इस प्रकार से याद रखते जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। अब दर्शन कैसे करेंगे दोस्त, हम दर्शन करेंगे जब हमारे पास लोचन होंगे, जब हमारे पास आंखें होंगी तभी तो दर्शन करेंगे, तो नलिन बिलोचन शर्मा, लोचन, लोचन आ गया ना यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा, तो ये जो लोचन है वो इसका सही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ इनका है। नेक्स्ट देखें, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने दोस्तों प्रवृत्ति को आधार बनाया है नामकरण, जब इन्होंने किया तो नामकरण करते वक्त इन्होंने देखा कि किस काल में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, किस प्रकार की रचनाएं हुई, किस प्रकार की उन रचनाओं में प्रवृत्तियां देखी गई, उस प्रकार से इन्होंने नामकरण करने का प्रयास किया, तो शुक्ल जी ने किया है प्रवृत्ति के आधार पर, याद रखो कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। आदिकाल को चरण काल नाम दिया है, तो चरण काल जो नाम दिया है दोस्तों वो राम कुमार वर्मा ने दिया है, एक और कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने भी चरण काल कहा है, ये चीज भी याद रखना है, राम कुमार वर्मा। और आपको पता है कि अगर हमें राम के क्या मिल जाए,
चरण मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो चारण काल जो नाम दिया होगा वो किसने दिया होगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया होगा। तो राम कुमार वर्मा ने दिया होगा। तो आज चारण काल किसने दिया? राम कुमार वर्मा जी। यहाँ पर उत्तर विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? दोस्तों हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो श्रावकाचार्य मानी जाती है। और श्रावकाचार्य की जो रचना की है वो देवसेन ने की है। और श्रावकाचार्य का जो रचना काल है दोस्तों वो 933 है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना हुई है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, आलाखंड के रचयिता कौन है? तो आलाखंड के जो रचयिता है जगनेक है। दोस्तों एक चीज बताना कि आपने हमारे बड़े बुजुर्गों को आला पढ़ते देखा होगा, और आला वो कब पढ़ते हैं? रात में पढ़ते हैं, और रात में जागरण करके जगकर पढ़ते हैं। तो आलाखंड के जो रचयिता होंगे वो जगनेक होंगे, क्योंकि जगकर आला पढ़ा जाता है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? तो भविष्यत कहा के जो रचयिता माने जाते हैं वो धनपल माने जाते हैं। और एक चीज बताना दोस्तों की दुनिया में आपने देखा हो कि भविष्य के लिए सभी लोग क्या करते हैं? धन का संचय करते हैं। तो भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन होंगे? धनपाल, क्योंकि भविष्य के लिए सभी लोग धन का संचय करते हैं। इस प्रकार से याद भी करते जाओ, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रखना है। मिश्र बंधु 3 भाई में से नहीं है, तो 3 भाई में से कौन से नहीं है? तो वो नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे और इन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। श्याम गणेश सुखदेव ऐसे आप याद भी इसको कर सकते हैं। श्याम गणेश सुखदेव ये मिश्र बंधु थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा किसने दी है? बीज बपन काल की जो संज्ञा दी है दोस्तों वो किसने दी है? वो दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अब एक चीज आप बताना कि जो अहिंसा के बीज बोए हैं वो किसने बोए हैं? महावीर भगवान ने बोए हैं। तो यहाँ पर बीज बपन काल कौन कहेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें याद भी रखते जाना है, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको जब बताते हैं तो आप कभी भूल नहीं पाते हैं। आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो दोस्तों संदेश रासक ये रचना है अब्दुल रहमान की है ये रचना, और ये मेघदूत कहा जाता है आदिकाल की इस रचना को मेघदूत। और आपको पता होगा कि मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना मानी जाती है, और इन्होंने जो है मेघ के माध्यम से क्या भेजा है? संदेशा भेजा है। तो मेघदूत जब आएगा, संदेशा की बात आ रही है, तो संदेश रासक को ही ये मेघदूत कहा जाएगा। आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश रासक को, अब्दुल रहमान की संदेश रासक, याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, आदिकाल काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? तो कौन सा ग्रंथ है उपयोगी जो रूढ़ियों को और परंपराओं को समझने के लिए उपयोगी है? तो वो है प्राकृत पेंगलम। याद रखो, ये प्राकृत पेंगलम जो रचना है ये लक्ष्मीधर की रचना है, और ये आदिकाल की रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है प्राकृत पेंगलम, इसको याद रखना है हमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर आपको बताना है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है इसे। और एक चीज बताना कि जो महापंडित होगा उसके पास कुछ सिद्धि जरूर होगी, सिद्धि होगी। तो सिद्ध सामंत काल कौन कहेगा? महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है? सिद्धि है, और ये महापंडित हैं, इसलिए इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? तो अभिमान मेरु की संज्ञा किसे दी गई? आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से लिखें। उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? पुष्पदंत, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, अभिमान मेरु। अभिमान मेरु, एक चीज बताना दोस्तों कि जब हम भगवान पे पुष्प चढ़ाते हैं तो हमें भी अभिमान होता है, और हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो मेरु के समान ऊंचा उठ जाता है, मेरु के समान। तो अभिमान मेरु पुष्प दंत को कहा जाएगा, ऐसे हमें याद भी रखना है। कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे, जो भी RPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो भी UPTET NET की तैयारी कर रहे हैं, कि ये वीडियो आपके लिए कहां तक उपयोगी है, कितना उपयोगी है, और भी वीडियो इस प्रकार से बनाएं या ना बनाएं। तो ये सीरीज अब निरंतर चलेगी, आप लोगों के लिए प्रयास रहेगा, साथ ही PDF भी आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार से जुड़ते रहें, लोगों को जोड़ते रहें,
और ये जो हेल्थ स्टडी क्लासेस है दोस्तों, खास हिंदी साहित्य और हिंदी बालों के लिए समर्पित चैनल है। हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो कौन सा है आपको बताना है, तो पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है ना। चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ये याद रखना है। वो क्या है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, या डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, अब आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, रसिक। रसिक मतलब कोई एक व्यक्ति तो होगा जो रसिक से मानते हैं, या नरों में जो उत्तम है वो एक व्यक्ति होगा तो रसिक से मानते हैं। तो यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सभी को पता है। और एक बात बताना कि जनता की चित्त वृत्ति में क्या समाये हुए हैं, राम समाये हुए हैं कि नहीं, समाये हुए हैं। तो जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास कौन कहेगा, रामचंद्र शुक्ल कहेंगे कि कोई और कहेगा, रामचंद्र शुक्ल कहेंगे। तो इस प्रकार से याद भी करो। और अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से बनती है पिंगल, यानी कि विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, अब अपन कहें कि ब्रजभाषी जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, वो ब्रजभाषी से क्या नहीं लेना है, पंगा नहीं लेना है, तो पंगा नहीं लेना है। तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिलाएंगे तो पंगा नहीं लेना, तो पंगा से पिंगल बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से याद भी हमें करना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, तो वो माना है दोस्तों मृगावती, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा। अब एक बात बताना कि जो रामचंद्र जी थे सभी लोग जानते थे, ये किसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, मृगा के दौड़ रहे थे कि नहीं, तो ये जे रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो किसे मानेंगे, मृगावती को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो सही हो जाएगा, सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है इन्होंने मृगावती को, है ना। और मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है, किसकी, कुतुबन की रचना है। और एक बात और दोस्तों, अगर मृगा जो होता है वो अगर गांव वाँव में घुस जाए तो कुत्ता उत्ता क्या करते हैं, पीछे लग जाते हैं, तो कुतुबन, इस प्रकार से याद करते जाओ, याद करना है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सत्यवती कथा के लेखक कौन है, तो सत्यवती कथा के लेखक हैं दोस्तों कौन है, जल्दी से बताना है, उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, ईश्वरदास। और एक बात बताना कि आप सभी लोग बोलते हैं ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, और सत्यवती कथा किसकी होगी, ईश्वर की होगी कि आपकी, हमारी तुम्हारी होगी, होगी लेकिन ईश्वर की जरूर होगी। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की ए जो है रचना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना। रामकुमार वर्मा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारण काल नाम किसने दिया है आदिकाल की समय सीमा को, तो देखना यहाँ जो आदिकाल की समय सीमा कोई विद्वान 1000 से 1375 मानते हैं और कोई 1050 से 1375 मानते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1375 है इसे रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। और यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो संधिकाल की समय सीमा इन्होंने 750 से 1000 जो है मानी है, और 1000 से 1375 इन्होंने इसे चारण काल नाम दिया है, 1375 से 1700 इसे भक्ति काल नाम दिया है, 1700 से 1900 इसे रीति काल नाम दिया है। तो आपको याद रखना है कि चारण काल किसने कहा है, तो चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो बीसलदेव रासो जो रचना है वो रचना है दोस्तों नरपति नाल की। और अब एक चीज बताना कि यहाँ पर पति शब्द होता है तो पति बीस नहीं होते, पति एक होता है, तो बीसलदेव रासो किसकी रचना होगी, नरपति नाल, है ना, नरपति एक ही होता है तो नरपति नाल, बीस नहीं होते तो बीसलदेव रासो नरपति नाल। कई बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछ ही जाता है। और ये बीसलदेव रासो जो है ये गीति काव्य है, ये चीज भी आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बीसलदेव रासो किस प्रकार का
ग्रंथ है, किस प्रकार की रचना है, तो इस प्रकार से भी आपको खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये गीति काव्य है और ये नरपति नाल की रचना है, तो इसको याद रखना है। शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है, तो शिलाओं पर जो लिखित ग्रंथ है दोस्तों वो राउल बेल है। राउल बेल क्या है, आपने देखा होगा कि शिलाओं में बेल बेल बनाई बनी होती हैं इस प्रकार से, तो राउल बेल ये शिलाओं पर अंकित जो है ग्रंथ है, और इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है ना। ये चंपू काव्य गद्य पद्य के मिश्रण से जो रचना बनती है, जो जिस रचना में गद्य पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो ये राउल बेल चंपू काव्य है और इस शिलाओं पर अंकित है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हिंदी वीर काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टीकम से। अब एक चीज बताना दोस्तों, वीरों को आपने देखा होगा कि वीर लोग क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। टीका लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं। तो ये जो वीर काव्य जो कृति होगी वो किसकी होगी, टीकम से की होगी, याद रखो। नेक्स्ट है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की पहेलियां आपने सुनी होंगी, और अंतिम चरण की बात होती है तो आपको पता होगा कि व्यक्ति अपने अंतिम चरण तक क्या सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊं। जब तक आदमी मर नहीं जाता अपने अंतिम चरण तक सोचता है मैं अमीर बन जाऊं, तो अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि होंगे वो कौन होंगे, अमीर खुसरो होंगे। तो इस प्रकार से याद भी करना है, पढ़ते भी जाना है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पद्धतियां होती हैं इतिहास लेखन की, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां होती हैं, जिसमें से एक पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के जो प्रचुर जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो असल में शुक्ल जी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसने कहा है कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक जो है शुक्ल जी नहीं प्रवर्तक प्रत्युत ग्रियर्सन है, तो किसने कहा है, वो कहा है नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, नलिन बिलोचन जी ने, और बिलोचन मतलब लोचन, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लोचन से देखा है कि शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है। तो हमें तो याद रखना है इस प्रकार से कि ये कोटेशन जो है वो किसने कही है, ये बात किसने कही है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है, तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो प्राचीन छंद है वो दोहा है, क्योंकि दोहा ही प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, तो विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, सबसे प्राचीन है तो दोहा, ठीक है। एफ ई के ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है, तो कितने कालों में विभक्त किया है आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा चार, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो सही है। एफ ई के साहब ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा है, याद रखना है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है और कम ही प्रश्न ये पुस्तकों में मिलता है जो भी आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अवधूत मत किसे कहते हैं, ये अवधूत मत भी कई बार पूछा गया है, तो अवधूत मत आपको बताना है किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय है ना, तो ये सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय आपने पढ़े होंगे है ना। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है, 9 नाथों की संख्या बताई गई है और 84 सिद्धों की संख्या बताई गई है, और ये अवधूत मत कहा जाता है तो वो नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखो। 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, तो काय में हुआ है 63 शलाका पुरुषों का, वो हुआ है महापुराण, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा, इसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन हुआ है महापुराण में। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों ने कौन सी भाषा शैली में रचनाएं की हैं, सिद्धों ने भाषा शैली को अपनाया है तो कौन सी भाषा शैली को अपनाया है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा संधा, संधा भाषा शैली, ये एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, संधा भाषा शैली को अपनाया है, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखो, संधा, संध्या, संधा, इस प्रकार से विकल्प आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है और संधा को चूज करना है, तो संधा भाषा शैली में, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो शिवसेन सेंगर ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो पुष्य या पुंड को माना है, ठीक है। अब एक चीज बताना दोस्तों, शिव की यहाँ पर बात आती है और शिव के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो शिवसेन सेंगर जो साहब जी हैं वो प्रथम कवि किसे मानेंगे, पुष्य या पुंड को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो पुष्य या पुंड को इन्होंने प्रथम कवि माना है शिवसेन सेंगर ने, ठीक है।
नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद जो पक्ष है वो कौन सा है? सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो पृथ्वीराज रासो है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके लेखक जो है चंद्रबड़दाई, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। पृथ्वीराज जो रासो है, अगर आदिकाल में बात की जाती है कि आदिकाल में छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो वो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, और उसमें अगर रामचंद्रिका नाम आता है तो उत्तर वही होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आदिकाल में जो छंदों का अजायब घर कहा जाता है वो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें तो इसमें 69 छंद हैं, ठीक है, 69 सर्ग हैं, थोड़ी सर्ग हैं। और सर्ग को क्या कहा जाता है? इसमें समय कहा जाता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है, तो इसकी ऐतिहासिकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो से हमेशा एक प्रश्न आपका बनेगा ही हिंदी साहित्य वाले एग्जाम में, तो ऐतिहासिकता से संबंधित इसका जो है विवादास्पद पक्ष है, इसकी ऐतिहासिकता है ना। नेक्स्ट है, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? देखो, बीसलदेव रासो का मैंने कहा था कि इसके जो रचनाकार हैं वो नरपति नाल हैं, लेकिन बीसलदेव रासो का जो काव्य रूप माना जाता है वो गीति काव्य माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका गीति काव्य है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बीसलदेव रासो निम्न में से प्रबंध काव्य है, तो ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य कौन सा है, तो बताना है आपको प्रबंध जो काव्य है वो जयमयंक जसचंद्रिका, ठीक है। और प्रबंध काव्य के आपने भेद देखे होंगे, खंड काव्य और महाकाव्य। और यहाँ पर प्रबंध काव्य पूछा गया है, तो जो प्रबंध काव्य है वो जयमयंक जसचंद्रिका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो सभी को पता है किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और आपको बताना है दोस्तों कि हिंदुस्तान एशिया में आता है कि नहीं आता है, तो एशिया की जब भी बात होगी तो हिंदुस्तान आता है, और हिंदुस्तान यहाँ पर आया है मतलब यहाँ एशिया आया, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद भी करना है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखें हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 952, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो रचना है, इसमें जो वर्णित कवियों का जो वर्णित वर्णन किया गया है वो 952 कवियों का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो प्रस्थान बिंदु जो कहा जाता है दोस्तों वो शिव से सरोज को कहा जाता है। और एक चीज आपको बताना है कि जब भी आप कहीं प्रस्थान करते हैं तो किन का नाम लेते हैं? शिव का नाम लेते हैं ना कि नहीं लेते? वैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु कहा जाता है वो शिव से सरोज को कहा जाता है, जो कि शिव सेन सेंगर की रचना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, शिव सेन सरोज को। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? तो किसने किया है जल्दी से बताएं, सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन जो किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ना। और दोस्तों आप देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटर हो, चाहे कार हो, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? गियर लगाते हैं, गियर। तो सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन, हिंदी साहित्य में भी गियर लगेगा, मतलब डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना है? तो पुरानी हिंदी माना है तो किसने माना है? आपने पता होगा कि पुराने जमाने के आदमी क्या क्या करते थे, हमें चंदा मामा की कहानी सुनाते थे पुरानी हिंदी में। तो यहाँ भी पुरानी हिंदी मानते हुए साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी कौन मानेगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब चंदा का नाम आएगा तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने माना है, ठीक है, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो प्रकाशन जो वर्ष है इसका 1929, यानी विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अभिमान मेरु, तो यहाँ पर मेरु आया है तो उत्तर में भी क्या आना चाहिए? मेरु, तो मेरु तुंग, अभिमान मेरु कहा जाता है मेरु तुंग को, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? जी हाँ दोस्तों, ये दोहरे नामकरण की तो वो की है रामचंद्र शुक्ल ने, और आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी के भी दोहरे नाम हैं, रघुबीर भी इन्हें कहा जाता है, राम भी इन्हें कहा जाता है। तो दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति आरंभ करेंगे वो कौन करेंगे? रामचंद्र जी करेंगे। तो यानी कि जो विकल्प नंबर एक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ की है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, शालीभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अलग अलग विद्वान ने अलग अलग रचनाओं को हिंदी की प्रथम रचना माना है, वहीं शालीभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को किसने माना है आपको बताना है। तो वो माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा। और एक चीज बताना कि गणपति जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, और जिसमें बुद्धि होगी वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा। तो शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली यानी बाहुबली के जैसा शक्तिशाली होगा। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना किसने माना है? तो वो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। इस प्रकार से हमें याद भी इसको रखना है। अगला हमारा प्रश्न है चर्यापद की रचयिता है, चर्यापद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों चर्यापद के रचयिता है सबरपा, यानी कि विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। और एक चीज बताना कि सभी व्यक्तियों की दिनचर्या होती है कि नहीं होती? होती है सब व्यक्तियों की, सब है ना, सब व्यक्तियों की क्या होती है, चर्या होती है। तो चर्यापद किसकी रचना होगी, सबरपा, यहाँ भी सब आएगा क्योंकि सब की क्या होती है, चर्या होती है। तो इस प्रकार से याद भी हमें रखना है। नेक्स्ट है चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कहा जाता है कड़बक पद्धति। तो चौपाई के साथ दोहा रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि क्या ना लगे, कड़बक ना लगे, तो इसे कड़बक पद्धति कहा जाता है चौपाई के साथ दोहरा, यानी कि विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है? आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ा होगा, यहाँ पर पृथ्वीराज विजय, अब यहाँ पर ये जो है दोनों कंफ्यूज करने वाले, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई का महाकाव्य है, और हिंदी का भी प्रथम महाकाव्य है ना पृथ्वीराज रासो। लेकिन पृथ्वीराज जो विजय है ये जयानक की रचना है, यानी कि विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? तो महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है तो किस में हुआ है, जल्दी से बताना है आपको, जल्दी जल्दी से बताएंगे। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है खुमाण रासो, है ना, खुमाण रासो में हुआ, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही। अब खुमाण रासो किसकी कृति है, तो ये दलपति विजय की है खुमाण रासो, है ना। इसको हमने कैसे याद किया था कि किसी को अगर गुमान हो जाए, कोई दल का विजय, दल पति विजय मतलब दल का अगर कोई विजय कर लिया, दल को जीत ले, तो उसे क्या हो जाता है, गुमान हो जाता है। इसलिए खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है, और इसमें महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो वो जाना जाता है परमाल रासो, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। और आप सभी ने देखा होगा कि आला जो होता है वो कब पढ़ा जाता है, रात में पढ़ा जाता है ना, और आला खंड के नाम से जाना जाता है तो परमाल रासो को जाना जाता है। परमाल रासो जो रचना है वो जगनिक की है, किसकी है, जगनिक की, याद रखो जगनिक की रचना है परमाल रासो। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है तो किसने माना है, वो माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो सही हो जाएगा। अवधि का प्रथम कवि माना है अमीर खुसरो को, राम कुमार वर्मा साहब ने। नेक्स्ट है अमीर खुसरो कृत नोह सिपर का विषय है, तो नोह सिपर का विषय क्या है, तो वो है भाषा विज्ञान, क्या है, भाषा विज्ञान, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो सही हो जाएगा इसका। अमीर खुसरो कृत नोह सिपर का जो विषय माना गया है वो भाषा विज्ञान माना गया है। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया और सभी पे बनता है, जिनसे नहीं बनता है तो वो याद कर ले, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, और जिसमें भी विद्या होगी, जिसके अंदर विद्या होगी वो क्या होगा, मीठा बोलेगा, मीठा बोलेगा, कोकिल के जैसा बोलेगा, कोकिल के जैसा। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, इनके अंदर विद्या है तो मैथिल कोकिल, ठीक है। नेक्स्ट है बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? बारकरी संप्रदाय कई बार पूछा गया है, तो बारकरी संप्रदाय का संबंध है सिद्ध साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करती हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं किसके लिए, वार करने के लिए, वार करते हैं वो सिद्धि प्राप्त करके, तो सिद्ध साहित्य से संबंध है बारकरी संप्रदाय का। तो याद रखो यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे?
तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो स्वयंभू माने जाते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का आपने नाम सुनी होगा कि बिगड़ी हुई भाषा, कहीं कहीं इसका नाम बिगड़ी हुई भाषा मिलता है, और आपने देखा होगा कि व्यक्ति स्वयं ही कभी बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ता, तो स्वयं ही बिगड़ जाता है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन होंगे, महाकवि होंगे स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक है। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हमें याद रखना है, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है, तो गोरख की वाणियों का संग्रह किया गया, मतलब गोरख की जो वाणी थी वो कितनी थी, बड़ी थी, इसलिए इनका संग्रह किया गया। तो यहाँ पर बड़ी या बड़ा जरूर आएगा उत्तर में, मतलब पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बड़थवाल मतलब बड़ी थी गोरख की वाणियाँ, तो इन्हें संग्रहित किया गया, और इनका जो संग्रह किया वो बड़थवाल साहब ने किया, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है दोस्तों प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम, और ये लक्ष्मीधर की ये रचना है प्राकृत पेंगलम, ठीक है। और जब भी प्रशस्ति किसी की लिखी जाती है, प्रशस्ति लिखते हैं ना हम प्रशस्ति, तो प्रशस्ति बनवाने में हमें लक्ष्मी जरूर लगती है, लगती है लक्ष्मी की नहीं लगती है, तो प्रशस्ति मूलक जो मुक्तक काव्य वो प्राकृत पेंगलम है, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर का, ये लक्ष्मीधर की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, ढोला मारूड़ा दुहा के रचयिता कौन है, तो ढोला मारूड़ा दुहा के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कोसल लाभ हैं, कोसल लाभ। अब एक चीज बताना कि ढोला से क्या बनेगा, ढोल, और ढोल बजाने में कोई कुशल होता है तभी वो बजा पाता है, तो ढोला मारूड़ा दुहा किसकी रचना होगी, ये कुशल लाभ की होगी। इस प्रकार से याद करते जाओ, रटते जाओ, और इसके पहले के 3 पार्ट जरूर देखें, और साथ ही दोस्तों एक साइड आपका आदिकाल से संबंधित पूरे प्रश्नों का वीडियो चल रहा है, और एक साइड आपका जीवन परिचय, कवियों के जीवन परिचय से संबंधित जो है वीडियो चल रहे हैं, तो वो जरूर देखें। इससे पहले मैंने जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल आदि के जो है जीवन परिचय की वीडियो डाल रखे हैं, तो वो जरूर देखें। सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है, तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आपने पढ़े होंगे, सिद्ध कवि सरहपा है ना, नाथ कवि है ना, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ये सभी पढ़े हैं। तो नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है, तो वो कबीरदास जी, कबीरदास जी की जो भाषा पूछी जाती है कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी है, तो कबीरदास की भाषा सादुकणी मानी जाती है, और कबीर की जो रचनाओं का संग्रह है वो बीजक माना जाता है, बीजक, बीजक में है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता हैं, और कबीर जो हैं वो सर्वाधिक सिद्ध एवं नाथ कवियों से जो है प्रभावित हैं, तो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि रासो काव्य है, तो बुद्धि रासो जो काव्य है दोस्तों वो क्या काव्य है, प्रेम काव्य है, प्रेम काव्य, ठीक है। बुद्धि रासो प्रेम काव्य है, और प्रेम तो प्रेम होता है, अगर थोड़ी सी आपने बुद्धि चलाई मतलब प्रेम नष्ट हो जाता है, तो बुद्धि रासो जो काव्य है वो प्रेम काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट है गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस, ये पंक्ति किसकी है, कई बार पूछा गया है, तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो किसकी है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पहेलियां आपने सुनी होंगी, ठीक है। और आदिकाल के जो अंतिम कवि माने जाते हैं, अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं, वो अमीर खुसरो माने जाते हैं, और अमीर खुसरो खड़ी बोली के जो है प्रयोक्ता माने जाते हैं, और ये जो पंक्ति हैं वो भी अमीर खुसरो साहब की हैं, तो विकल्प नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, तो चरित काव्य जो रचे गए दोस्तों वो जैन साहित्य में रचे गए। जैन साहित्य में हम श्रावकाचार पढ़ते हैं, जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। श्रावकाचार आचार्य देवसेन द्वारा कृत जो श्रावकाचार है, इसका रचना काल माना जाता है 933, और आदिकाल में सबसे ज्यादा चरित काव्य जो रचा गया वो जैन साहित्य रचा गया, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, 84 सिद्ध और 9 नाथ आपने पढ़े हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 84, और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 9 नाथ माने जाते हैं। और 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं वो माने जाते हैं सरहपा। कुछ विद्वान सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, इनकी जो रचना है वो दोहा कोश है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, दोहा कोश। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है वो सरहपा माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आपने देखा होगा कि विभाजन में दोहरी पद्धति, नामकरण में दोहरी पद्धति, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
काल विभाजन या काल नामकरण में जो दोहरी पद्धति अपनाई वो किसने अपनाई, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई। और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तो हम आपको बता चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्ल जी का कि बैर अचार का मुरब्बा है, इस टाइप से कुछ एक कोटेशन दिया जाता है और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछ लिया जाता है तो कि ये किसका है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की। और इनका जो ग्राम 1884 में दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है शुक्ल जी के बारे में। और आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन इन्होंने किया है, तो इन्होंने वीरगाथा काव्य यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वीरगाथा काव्य का इन्होंने तृतीय प्रकरण में विवेचन किया है तो याद रखना है आपको, ठीक है। आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है, तो आदिकालीन काव्य में सबसे पहले तो एक प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है नामकरण किसके आधार पर किया है, तो प्रवृत्ति के आधार पर। आचार्य शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपराओं के आधार पर, तो प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने नामकरण किया है। और आदिकालीन काव्य में जो प्रवृत्ति का अभाव है वो प्रवृत्ति है राष्ट्रीय चेतना यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम रचना श्राप का चार के रचयिता कौन है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि श्राप का चार का जो रत्नाकाल माना जाता है वो 933 ईस्वी माना जाता है और इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो देवसेन माने जाते हैं ना, और ये हिंदी की प्रथम रचना है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और श्राप का चार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नामकरण रखा है, तो आधुनिक काल जो नामकरण दिए हैं आदिकाल है ना, वीरकाल, इस प्रकार से जो नामकरण किया है तो आधुनिक काल को क्या नाम दिया है आचार्य शुक्ल जी ने, तो इन्होंने नाम दिया है गद्य काल यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है, तो आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किसने किया है, तो वो किया है मिश्रबंधु यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचना थी मिश्रबंधु विनोद, ठीक है, मिश्रबंधु विनोद इनकी रचना है मिश्रबंधुओं की। और ये मिश्रबंधु जो थे ये 3 भाई थे दोस्तों, याद रखना है आपको। और आरंभिक काल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को, तो विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो ये जो मिश्रबंधु विनोद है ये मिश्रबंधुओं की जो है ग्रंथ है, मिश्रबंधुओं का ग्रंथ है और इन्होंने 5 कालों में विभाजित किया है, तो एक विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक भी माने जाते हैं मिश्रबंधु, कौन माने जाते हैं मिश्रबंधु यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों नरपति नाल, कौन है, नरपति नाल। और नरपति नाल की एक रचना जो है वो कौन सी है, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो जो अजमेर के शासकों से संबंधित है और ये गीति काव्य है, ये चीज भी आपको याद रखना है, जो बीसलदेव रासो है ये गीति काव्य है और श्रेष्ठ पूछा जाता है। और हमने इसको कैसे याद किया था कि बीसलदेव रासो ये नरपति नाल की, और यहाँ पर पति आ रहा है मतलब पति जो 20 नहीं होते 1 होते हैं, तो नरपति नाल बीसलदेव है ना, बीसलदेव रचना है नरपति नाल की और इसमें अजमेर के शासक से संबंधित जो है ये मानी जाती है, तो याद रखना है आपको। आदिकालीन वैदक जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, जगत सुंदरी प्रयोगमाला, जगत सुंदरी प्रयोगमाला यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आदिकालीन वैदक ग्रंथ है जगत सुंदरी प्रयोगमाला, विकल्प नंबर 2 आपको यहाँ पर टिक करना है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, तो डिंगल का जो सबसे पहला प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, कुकवि 32 में मिलता है डिंगल का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है, प्राकृत पेंगलम में जो मिलता है वो हमीर रासो, हमीर
सारंगधर कृत जो हमीर रासो है उसका एक पद जो है प्राकृत पैंगलम में मिलता है। तो याद रखना है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न भी नेट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं टेट में। प्रथम बाबनी काव्य है, तो प्रथम बाबनी जो काव्य है दोस्तों मो मात्र का प्रथमाक्षरा दोहरा, मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। शायद ही आपने कुछ इस प्रकार के प्रश्न पढ़े हों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है तो किसमें किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज जो विजय ये ग्रंथ है, ये जयानक कृत है, याद रख लेना। और पृथ्वीराज रासो अपने पढ़ा होगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई है ना द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। और सर्ग को इसमें समय कहा जाता है। और आदिकाल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल में किस रचना को, किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो आदिकाल में कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और राजा जयचंद की वीर गाथा का जो गान किया गया है वो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में किया गया है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। दोस्तों भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश, ठीक है, जयचंद प्रकाश इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा, इसको सुधार लेना, ठीक है। विकल्प नंबर 2 इसका सही है, भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है, वो क्या है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताएं, सभी लोग बताएं कमेंट में, अगर आपसे बनता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस शीर्षक से अनुवाद किया गया है हिंदी में, तो किसने किया है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गुप्त, किसने किया है, किशोरीलाल गुप्त, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है, जल्दी जल्दी से बताएं, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश जो रचना है वो किसकी है। तो कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि परमात्मा को हम इंद्र भी बोल जाते हैं, इंद्र भगवान, इंद्रदेव, तो वो परमात्मा, तो इंदु, इंदु, इंद्र आएगा है ना, तो परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है, तो विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है, तो किसमें मिलता है, वो मिलता है दोस्तों मिश्र बंधु विनोद, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। और शिव से सरोज तो आपको पता ही है, तो ये सारी की सारी चीजें मिश्र बंधु विनोद आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या पांडे, मिश्र बंधु एवं कर्नल टॉड ने मानते हैं, क्या मानते हैं, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं, जल्दी जल्दी से बताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, या तो आपको सिंगल पूछ लिया जाता है कि कर्नल टॉड पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, क्या मानते हैं, तो ये प्रमाणिक मानते हैं, ये सभी श्याम सुंदर दास, विष्णुलाल पांडे, कर्नल, ये प्रमाणिक मानते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें 69 सर्ग हैं, ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई जी ने की है, और ये प्रथम महाकाव्य हिंदी का सभी को पता है, ठीक है, और ऐसे प्रमाणिक ये लोग मानते हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वैज्ञानिक आलोचना का जो सूत्रपात किया है दोस्तों वो किया है शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सभी जानते हैं कि 1884 में इनका बस्ती जिला के अगोना गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इनका और चिंतामणि भाग 1 भाग 2 इनकी रचनाएं हैं, ये भी देखना है। और इन्होंने वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया, ये भी आपको याद रखना है। मैंने रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन परिचय का वीडियो डाला है, वो जरूर देखें, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न रामचंद्र शुक्ल से बनेंगे। तो शुक्ल जी वैज्ञानिक आलोचना का इन्होंने सूत्रपात किया है, याद रखना, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा।
नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। तो रसायनी किसे कहा जाता है? रसायनी, तो रसायनी कहा जाता है दोस्तों किसे? नागार्जुन को। और आपने देखा होगा कि नांग, नांग के मुंह में क्या रहता है? रस रहता है, एक प्रकार का जो विष होता है, विष, वो रसायी तो होता है। तो रसायनी किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अब एक नागार्जुन बाद में हुए हैं और लगभग प्रगतिवाद प्रयोगवाद के आसपास नागार्जुन हुए हैं, और एक जिन नागार्जुन अलग अलग हैं। तो नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है नाथों में। और नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 नाथ बताई गई है। सराहपा आदि जो हैं वो क्या हैं? सिद्ध। तो नाथ और सिद्ध ये हैं, ठीक है। इनमें से किस नाथ का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? नाथ और सिद्ध दोनों में किया जाता है, तो वो चरपट नाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। जैसे एक दल ए हो गया नाथ और एक दल हो गया ए सिद्ध, और दोनों में गिना जाएगा तो वो चरपट नाथ। अपन नहीं बोलते कि चटनी बांट रहा है, बिल्कुल दोनों दलों में चरपट चरपट कर रहा है। तो ये दोनों दलों में चरपट कर रहे हैं, चरपट नाथ, ठीक है, नाथ और सिद्ध में। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भल्ला हुआ जो मारिया पंक्ति किसकी है? तो जल्दी बताओ। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भल्ला हुआ जो मारिया, ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं नेट एग्जाम में, पंक्ति पूछी जाती हैं और पीजीटी में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हेमचंद्र, भल्ला हुआ जो मारिया पंक्ति किसकी है? तो हेमचंद्र की है, याद रखो। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम कुमार वर्मा ने माना है दोस्तों स्वयंभू को। किसे माना है? स्वयंभू, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है इसे। जबकि स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि माना है हिंदी का। तो ये चीज याद रखनी है। और राहुल सांकृत्याय ने तो सरहपा को माना है ना। नेक्स्ट देखें, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? जल्दी से बताओ। रहस्यवादी कवि माना है विद्यापति। विद्यापति की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, है ना, ये आपने पढ़ी है विद्यापति जी की। वो विद्यापति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर पदावली से एक रचना आती है। और विद्यापति को जो रहस्यवादी कवि माना है वो किसने माना है? तो वो माना है जनार्दन मिश्र ने, ठीक है, जनार्दन मिश्र ने। और आपने देखा होगा कि जन मतलब होता है जनता, और जनता में क्या पाई जाती है? विद्या पाई जाती है, विद्या, विद्या पाई जाती है। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि कौन मानेंगे? जनार्दन मिश्र मानेंगे, याद रख लो इस प्रकार से। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो संपादन किया है दोस्तों, वो श्याम सुंदर दास ने किया है। कोई सुंदर सा व्यक्ति होगा जो नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन करेगा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास के बाद जो इस पत्रिका का संपादन कार्य संभाला वो रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो याद रखना है, फिलहाल नागरी प्रचारणी जो पत्रिका है इसका संपादन किया श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण प्रकाशित हुआ? तो याद रखना दोस्तों, यहां पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं। उदंत मार्तंड ये जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड, और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था 1854 में श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित किए में ये समाचार सुधावर्षण जो है प्रकाशित हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ है, ये याद रखना है। और उदंत मार्तंड तो आपको याद रखना है कि ये साप्ताहिक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न बनते हैं। तो ये जैसे जनरल टार्ड लोगों ने क्या माना है इसे? प्रमाणिक माना है। वहीं इसमें जो धारणा है वो अर्ध प्रमाणिक, कुछ जो है इसके अंश प्रमाणिक हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक हैं, तो इसे अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। जो धारणा है अर्ध प्रमाणिक, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में पढ़ते हैं हम, है ना, गोरखनाथ, महतेंद्रनाथ, ये सभी पढ़ते हैं। और क्या नहीं है? तो नारी की निंदा है, गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह है, लेकिन गृहस्थों का आदर जो है ये नहीं है, तो याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं, अपभ्रंश के भाषक
एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है, जल्दी से बताओ। अपभ्रंश, अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा भी कहा जाता है, कोई कोई विद्वान इसे बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश के भाषक एवं व्याकरणिक रूप का, अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है और व्याकरणिक रूप का जो विवेचन किया है वो हेमचंद्र, मतलब अपभ्रंश के जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं वो हेमचंद्र कहलाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर चार है वो इसका सही हो जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के प्रयोक्ता माने जाते हैं सर्वप्रथम, तो अमीर खुसरो जी आदिकाल के अंतिम चरण के जो है माने जाते हैं, और कबीर जो हैं, कबीर तो आप जानते हैं कि निर्गुण काव्यधारा के ये कवि थे भक्ति काल के, ठीक है, सभी जानते हैं। बीजक में इनकी जो है रचनाएं, जो पंक्तियां हैं वो संकलित हैं, और यहाँ पर पूछा गया कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, इस प्रकार से कोटेशन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे पीजीटी हो या फिर नेट हो। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि जो विकल्प नंबर चार है वो सही हो जाएगा। अधिकांश जो होते हैं वो शुक्ल जी है ना, क्योंकि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्होंने ही किया है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, और इन्होंने तुलसी सूर्य आयसी आदि की सबकी जो है आलोचना पर ग्रंथ लिखे हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विजयपाल रासो नलसिंह भाट की भाषा है, तो विजयपाल रासो जो रचना है वो नलसिंह की है, ठीक है, और हमने गदर फिल्म में देखा है, क्या देखा है गदर फिल्म में देखा है कि विजय प्राप्त करने के लिए सन्नी देवल क्या करता है, नल उखाड़ देता है, तो विजयपाल रासो नलसिंह की रचना इस प्रकार से याद रख लो, और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, यानी कि जो विकल्प नंबर चार है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन है, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बीज बपन काल पढ़ लिया, वीरगाथा काल पढ़ लिया, आदिकाल पढ़ लिया, ठीक है, सिद्ध सामंत काल पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन आधार काल थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आधार काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो मोहन अवस्थी हैं, मोहन अवस्थी, और अवस्थी से क्या बन जाता है दोस्तों, अवस्था, जब व्यक्ति की वृद्धावस्था हो जाती है तब उसे आधार की जरूरत पड़ती है, आधार की, किसी के आधार की, तो अवस्था से अवस्थी साहब याद रखना, और अवस्थी साहब ने क्या कहा है, आदिकाल को आधार काल कहा है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है, तो विकल्प नंबर जो दो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है, परिभाषा किसकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, और ये परिभाषा जो दी है दोस्तों वो दी है डॉक्टर नगेंद्र ने, याद रखना विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र साहब ने ये परिभाषा दी है। और यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज अगर से जुड़ना है तो IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है। अब आपका प्रश्न है गोरखवाणी के संपादक कौन थे, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे हिंदी साहित्य वाले तभी तो हम समझेंगे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं सर लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, आप जरा कमेंट में तो बताओ लिख के कि हाँ सर मेरा लेवल ए है, तो थोड़ा सा मैं अभी बढ़ाऊं, तो गोरखवाणी के संपादक कौन थे, तो गोरखवाणी के संपादक आपको बताना है, चार विकल्प आपके पास हैं साथियों, व्हाट्सएप नंबर ये दिया है, जुड़ जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी हमारे नए साथी हैं, बेल आइकन को तो दबाना ही है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आप फेसबुक पेज IAS स्टडी ट्रिक से जुड़ना है निरंतर, इस ये जो है आदिकाल का पांचवा पार्ट है, और बहुत सारी वीडियो इससे पहले टेस्ट सीरीज पर आधारित उपलब्ध हैं, आप देखें हिंदी साहित्य से संबंधित, जुड़ें PGT वाले या TGT या फिर आपका जो नेट एग्जाम है वो सभी लोग जो है देखें, या फिर RPSC हिंदी वाले भी देखें, UPTET वाले भी, MPSI वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जुड़े रहें। IAS स्टडी ट्रिक आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, स्टडी मटेरियल PDF आदि सभी कुछ यहां पर मिलेगा, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक में आप सर्च करेंगे सुमित जैन तो हमारी ID भी आपको मिल जाएगी यहां पर, और फेसबुक
से जुड़ जाते हैं और सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। और दोस्तों एक बार जरूर बता देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके फायदे का है कि नहीं है, और जो प्रश्न आपको दिया है उसका कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो दिल तक छू गया हो, आपको प्रभावित कर गया हो और आपके फायदे का हो गया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक व्यक्ति का दायित्व तो है कि 5 ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। सभी लोग हमारे जो भी भाई हैं वो 5-5 ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो सभी लोगों का फायदा होता है, साथ ही हमारा भी कुछ फायदा हो जाता है आप लोगों के लिए। तो निरंतर वीडियो तो अपलोड होंगे ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।